हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम आई एम मदर मूवी की बात करने जा रहे हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा बंकर दिखाया जाता है जिसमें एक जाइंट रोबोट होता है जिसका नाम मदर है, और वो बहुत सारे एम्ब्रियोस को इकट्ठा कर रही है और उसमें से एक एम्ब्रियो को बड़ा करने लगती है जो कुछ दिन में एक फुल ग्रोन बच्चा हो जाता है जो कि एक बेबी गर्ल होती है। मदर उसका नाम डॉटर रखती है और वो उसे बहुत अच्छे से पाल रही थी। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मदर यानी वो रोबोट उसे सब कुछ सिखाती है कि कैसे बोलना चाहिए, बिहेव करना चाहिए और इंसानों के बारे में मॉरल एथिक्स सब कुछ, जिससे उस बच्चे को ह्यूमंस को लेके क्यूरियोसिटी होती है। तो एक दिन वो पूछती है कि सारे इंसान गए कहाँ, तो मदर बताती है कि इंसानों ने बहुत बड़ी जंग की थी आपस में जिससे सभी मारे गए और बहुत इन्फेक्शन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इसलिए उसे बाहर जाना अलाउ नहीं है। मदर हमेशा उसे हाई मॉरल्स और एथिकल वैल्यूज़ के बारे में बताती हैं और साथ ही सारे इम्ब्रियो दिखाते हुए कहती हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही पैदा किया गया था, साथ ही तुम्हें भी ये सब सीखना होगा कि अच्छी मदर कैसे बनते हैं, क्योंकि आगे इन सब का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। समय बीतता गया और वो बच्ची एक टीनेजर लड़की बन जाती है जो बहुत स्मार्ट और हाई एथिकल वैल्यूज़ वाली थी, साथ ही हमेशा दूसरों की मदद करती थी, मतलब वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थी। एक रात पूरे बंकर में लाइट चली जाती है तो वो चेक करने जाती है जहाँ मदर रिचार्ज हो रही थी। वहीं पर एक चूहे ने वायर काट दी थी और पहली बार डॉटर ने एक लिविंग बींग को देखा था, जिसे देख के वो बहुत क्यूरियस होती है। साथ ही वायर को ठीक करती है जिससे लाइट आ जाती है और मदर उस चूहे को देख के उसको फर्नेस में जला देती हैं, जिसे देख डॉटर को बहुत बुरा लगता है। लेकिन मदर बोलती है कि बाहर की दुनिया में इन्फेक्शन है और अगर बाहर की कोई भी चीज़ अंदर आई तो यहाँ भी बीमारी फैल जाएगी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद डॉटर बाहर की दुनिया को लेकर बहुत क्यूरियस हो गई थी। एक रात मदर खुद को रिचार्ज कर रही थी तो डॉटर बाहर की दुनिया को देखने के लिए जाती है। जैसे ही वो एयर लॉक खोलती है तो एक लेडी जख्मी हालत में डॉटर से हेल्प मांगती है, तो डॉटर उसकी हेल्प के लिए एक सूट देती है। लेकिन तभी मदर रिचार्ज हो जाती है और उसे आता देख डॉटर एयरलॉक बंद कर देती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि एयरलॉक खुला था। तो वो कहती है कि बस वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, और मदर उसे वार्निंग दे के छोड़ देती हैं। फिर वो उसे एग्ज़ाम देने के लिए ले जाती है। फिर मौका देख के डॉटर उस लेडी के पास जाती है जहाँ वो बेहोश हो गई थी, तो डॉटर उसके बैग से एक गन देख के अपने पास रख लेती है और फिर उसे पानी देके उठाती है। साथ ही डॉटर उसे देख के बहुत हैरान थी क्योंकि मदर ने उसे कहा था कि कोई इंसान जिंदा नहीं है। फिर डॉटर उसे ले जाके एक जगह छुपाती है और फिर उसके लिए दवा लेने जाती है। तभी वहाँ एक रोबोट आता है जिसे देख के वो लेडी बहुत डर जाती है और डॉटर से गन वापस मांगती है, जिससे डर के उसे गन तो दे देती है लेकिन उसके इस बिहेव से वो डर जाती है और जाके मदर को बता देती है। तो मदर वहाँ आके उसे पकड़ के टॉर्चर करती है लेकिन डॉटर उसे मारने से मना कर देती है। तो बात मान के मदर उस लेडी को इन्फर्मरी में ले जाती है लेकिन वो लेडी रोबोट से मेडिसिन लेने को मना कर देती है। तो इन सब में कंफ्यूज होकर वो उस मदर से पूछती है कि वो लेडी तो बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं है, तो उसकी तरह और सर्वाइवर्स हो सकते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। मदर कहती है मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे जिंदा है क्योंकि ये सब इंसानों ने ही बनाई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि इंसान जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और उन्हें बचाने के लिए लैब बनी थी। तो वो उससे कहती है कि जाके उस लेडी से बात करो क्योंकि वो मुझसे डर रही है। तो डॉक्टर उसके पास जाके उसका इलाज करती है। उस लेडी को गोली लगी थी तो डॉटर वो गोली निकाल देती है मदर की गाइडेंस से। फिर वो दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है जहाँ वो लेडी उसे एक बुक दिखाती है जिसमें बहुत से लोगों के स्केच थे, और वो उससे कहती है कि ये सारे इंसान जिंदा हैं लेकिन वो रोबोट से बचकर एक माइंड में रह रहे हैं क्योंकि रोबोट्स ने सभी इंसानों को मार दिया है, और उससे कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए नहीं तो ये रोबोट्स तुम्हें भी मार देंगे। मदर ये सारी बातें सुन रही होती है और वहाँ आके डॉटर को ले जाती है और उसे बताती है कि वो औरत झूठ बोल रही है क्योंकि जिस गन से उसने मदर पे गोली चलाई थी और जो गोली खुद उसके बॉडी से निकली थी वो सेम है, मतलब उसने खुद को गोली मारी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। डॉटर को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो एग्ज़ाम देने जाती है जहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट में डॉटर बहुत अच्छा स्कोर करती है और रिवॉर्ड के तौर पर मदर उसे एक एम्ब्रियो चूज़ करने को कहती है और वो उसे बड़ा कर सकती है। तो डॉटर एक छोटे भाई को चूज़ करती है एक मेल एम्ब्रियो को लेके और उसे बड़ा करने लग जाती है। इधर वो उस लेडी से कहती है कि वो झूठी और रोबोट्स ने इंसानों को नहीं मारा, तो लेडी उससे कहती है जाके दोनों बुलेट्स चेक करो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो डॉटर छुप के वो दोनों बुलेट्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि दोनों बुलेट्स अलग है, तो उसे लगता है कि मदर झूठ बोल रही है। यहीं पे वो देखती है कि मदर ने तीन और एम्ब्रियो को पैदा किया था जहां वो बड़े भी हुए थे लेकिन उनका जब टेस्ट हुआ तो वो परफेक्ट नहीं थे, तो मदर ने उन तीनों को अबॉर्ट कर दिया। जिसे कन्फर्म करने वो फर्नेस में जाती है तो उसे ह्यूमन का जॉ मिलता है, जिसे देख के वो टूट जाती है और उसे बहुत दुख होता है। तो वो उस लेडी को जाके सब कुछ बताती है कि रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं, तो वो लेडी उससे कहती है कि मेरे साथ माइंड में चलो, तो वो कहती है मैं अपने भाई को छोड़ के नहीं जा सकती, कल वो बाहर आ जाएगा तो वो चलेगी। इधर मदर को लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो डॉटर को रूम में बंद कर देती है। इधर उस लेडी को जाके टॉर्चर करती है और बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछती है। इस तरफ डॉटर किसी तरह डोर को तोड़ के बाहर आती है और उस लेडी को बचाकर एयरलॉक की तरफ जाती है जहां मदर आ जाती है। तो उससे बचने के लिए वो लेडी डॉटर को मारने की धमकी देती है जिससे मदर रुक जाती है। इधर डॉटर को उस लेडी के इस बिहेवियर से शॉक लगता है और मदर मेन डोर खोल देती है, जिससे पहली बार
डॉटर के साथ हम भी बाहर की दुनिया देखते हैं, जहाँ सब कुछ बंजर था, ना कोई इंसान ना जानवर, और रोबोट्स ने यहाँ फसल पैदा की है, मतलब वो इंसानों की एक नई दुनिया बना रहे हैं। लेडी उसे लेके अपने घर जाती है जो एक टूटा फूटा सा कंटेनर था, तो डॉटर पूछती है वो लोग कहाँ हैं, तो लेडी कहती है कि सिर्फ मैं बची हूँ, वो रोबोट सबको मार चुके हैं, तुम्हें भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए। तो डॉटर कहती है मैं अपने भाई को वहाँ नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे बचाना होगा। तो डॉटर लौट के लैब आती है जहाँ बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो उसे स्कैन करते हैं और अंदर जाने देते हैं, जहाँ मदर उसके भाई को लेके खड़ी थी जो एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा था, जिसे देख डॉटर बहुत खुश होती है। तो मदर उससे कहती हैं कि हमने इंसानों को इसलिए मारा क्योंकि वो खुद को ख़त्म कर रहे थे, वो बहुत लालची बुरे और क्रूर थे और उनकी वजह से ये दुनिया ख़त्म हो सकती थी, इसलिए इसे बचाने के लिए मैंने उन सबको मार दिया, लेकिन उनका दूसरा मौका देने के लिए मैं उन्हें नई जिंदगी दे रही हूँ जहाँ उनका एक लीडर होगा जो उन्हें ह्यूमन बींग बनना सिखाएगा, उन्हें मॉरल ह्यूमन वैल्यू सब कुछ सिखाएगा, और वो लीडर कोई और नहीं तुम हो। डॉटर को पता चलता है कि उससे पहले जितने भी इम्ब्रियो को मदर ने बड़ा किया था उन सबके उसने मार दिया क्योंकि वो लीडर बनने लायक नहीं थे, बस डॉटर जब पैदा हुई तो उसके अंदर सारे गुड़ थे और जब उसे उनका लीडर मिल गया तो अब वो किसी इम्ब्रियो को नहीं मारेगी। साथ ही वो डॉटर से कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया, तो मुझे ख़त्म कर दो क्योंकि यहाँ से आगे सब कुछ तुम्हें संभालना है। तो डॉटर ऐसा ही करती है और उसे मार देती है, जिससे मदर डीएक्टिवेट हो जाती है और डॉटर उन इम्ब्रियो का ध्यान रखने लग जाती है। इस तरफ वो रोबोट जाके उस लेडी को मार देते हैं क्योंकि उस लेडी को मदर ने इसलिए रखा था कि डॉटर का आखिरी टेस्ट ले सके, कि जब उसे भागने का मौका मिलेगा तो क्या वो अपने भाई को बचाने आएगी। और डॉटर वापस आती है जिसका मतलब वो पास हो चुकी थी। यहाँ से डॉटर उन सबकी मदर बन जाती है और मदर डीएक्टिवेट होने के बाद भी उन रोबोट्स को कंट्रोल कर रही थी ताकि वो डॉटर की बात माने, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा, साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या मदर ने जो किया वो सही था या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी बेहतरीन कहानी के साथ। शुक्रिया।